हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 5 और 6 के बारे में बात करेंगे, जो कि रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। उसमें भी वो इमोबल प्रॉपर्टी के रिकवरी की बात करता है। तो देखिए, हम यहाँ बात करने वाले हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की। इस एक्ट में स्पेसिफिक, मूवेबल और इमोवेबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में अलग अलग प्रोविजन है। इमोबल प्रॉपर्टी के बारे में 5 और सेक्शन 6 है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 7 एंड 8 है। साथ ही साथ उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है इसी एक्ट में। अभी लॉ जो है वो हमेशा ही कब्जे को, यानी कि पोजीशन को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। कब्जा जो होता है, पोजीशन जो होता है, ओनरशिप का प्राइमा फेसिया एक एविडेंस होता है। 12 साल तक पीसफुली अगर किसी ने, अगर आपने कब्जा बनाए रखा है, तो वो कब्जा एक तरीके से ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। हर एक कब्जा जो होता है एक अच्छा रेमेडी होती है दूसरी पर्सन के अगेंस्ट में। सेविग्नी महोदय ने इसी के अकॉर्डिंग, इसी के को फॉलो करते हुए सेविग्नी महोदय ने कब्जे के बारे में कहा था कि एक कब्जा जो है मटेरियल एलिमेंट होने के साथ साथ एक मेंटल एलिमेंट भी होता है, तो इसलिए कब्जा बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। और दूसरे जूरी, अगर दूसरे एक्ट में हम देखते हैं, उसमें भी कब्जे को, पोजीशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 110 आप देखोगे तो उसमें भी ये बताया है कि कोई पर्सन, एक कोई ऐसी वस्तु है, कोई थिंग है, उसका ओनर है, जिसके ऊपर उसका कब्जा होना दिखाया गया है, इंडिकेट किया गया है, तो उसको प्रूव करने का, ये प्रूव करने का बर्डन उस पर्सन पे नहीं होता, बल्कि दूसरे पे होता है, जो ये बोलता है कि ये इस पर्टिकुलर थिंग, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, ये वो ऐसी बात जो बोलता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। इट मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं होता जो कब्जे का मालिक है। अब आप CRPC की धारा 145 सेक्शन 145 में भी आप देखोगे तो वहाँ भी कब्जे को प्रोटेक्शन दी गई है। किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा उसका ओनरशिप का प्राइमा फेसिया एक एविडेंस होता है। कब्जा रखने वाला जो है उसकी किसी भी संपत्ति पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर, उसके एक्चुअल जो ओनर होते हैं उनके अलावा सभी लोगों से एक अच्छा टाइटल उसको मिल जाता है। इसलिए कब्जे का जो है हमेशा, कब्जे के रिगार्डिंग लॉ जो है हमेशा प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्ट में इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और मोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड अलग अलग सेक्शंस में बताया गया है कि कब्जे की दोबारा से प्राप्ति के लिए, दोबारा से पोजीशन के लिए, कब्जे के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो सेक्शन की, तो एक्ट का सेक्शन 5 जो है उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन है जो किसी स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी का हकदार है, उसके कब्जे का हकदार है, तो वहाँ पर वे क्या करेगा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उसमें जो मैनर प्रेस्क्राइब्ड किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो शू कर सकता है, इंटाइटल्ड होता है वहाँ पर जाकर शू करने के लिए। ये सेक्शन जो 5 बताता है। अब हम CPC का ऑर्डर 21, उसके रूल 35 और 36 को खोल कर देखेंगे। हम सेक्शन 5 को, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 को CPC के ऑर्डर 21, रूल 35 और 36 के साथ पढ़ेंगे। तो ऑर्डर 21, रूल 35 और 36 के साथ साथ अकॉर्डिंग वह पर्सन जो किसी भी इमोबल प्रॉपर्टी के कब्जे का हकदार होता है उसे सिविल कोर्ट में जा कर के शू कर सकता है। उसको 12 साल के अंदर अंदर, 12 सालों के अंदर अंदर उस इमोबल प्रॉपर्टी के जो कब्जा होता है उसको दोबारा से रिपोजिशन के लिए उसको शू करना चाहिए, शू कर सकता है वो। अब जो शूट डालने वाला है उसको डिक्री जब मिल जाती है कोर्ट की तरफ से, तो उसको ऑर्डर 21, रूल 35 और 36 के अंडर जा करके उस डिक्री को एनफोर्समेंट करा लेना चाहिए, करा सकता है वो, उस इमोबल प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा ले सकता है। अब देखिए, दोबारा से समझिए इसको। सेक्शन 5 के साथ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 के साथ हमने ऑर्डर 21, रूल 35 और 36 पढ़ना है। सेक्शन 5 तो बताता है कि आप कैसे जा करके इमोबल प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफिक, उसका पोजीशन के लिए आप शू डाल सकते हो, कैसे CPC 1908 के प्रोसीजर में को फॉलो करना पड़ेगा, उसके तहत जाकर हम शू कर सकते हैं। बट अगर वो डिक्री मिल जाती है वहाँ से कि हाँ, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोबल प्रॉपर्टी, तो इन दैट केस
आप ओडर 21 रूल 35 और 36 के अंडर जाकर उसका एनफोर्समेंट कराओगे डिग्री का। इसके रिगार्डिंग एक केस लो है, रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस हंसाराम बग्गा 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस में यह हेल्ड किया गया कि सेक्शन 5 जो है उसके अंडर जो किसी का कब्जा होता है उसका एंटाइटल्ड होता है उसके ऊपर और उसको श्यू कर सकता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो उसका हक है वहाँ। इन पर्टिकुलर इस केस में वो अपना कब्जा है वो प्रूव नहीं कर पाया था, इसलिए इस केस को डिसमिस कर दिया गया था। कोई इसके ऊपर आते हैं कि अंडर बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के तहत अगर उसको बेकब्जा कर दिया मान लो तो वो कोर्ट में जाकर के शू कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी पर रिपोजिशन के लिए। उसको हक होता है भाई उसको निकाल दिया बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के, जाओ ऐसे ही धक्के मार दिए उसकी प्रॉपर्टी से, उसको बाहर कर दिया उसकी प्रॉपर्टी से, तो अब वो जाएगा ना लीगल रेमेडी के लिए। तो अब वो उसको स्पेसिफिक एनफोर्समेंट चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी चाहिए उसको वापस, तो अब वो सेक्शन 6 में जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 6 में जाएगा। उसके तहत जा करके कोई भी पर्सन जो के बेकब्जा किया है तो वो अपनी प्रॉपर्टी पर दोबारा से कब्जा पाने के लिए कोर्ट में जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि भाई उसकी प्रॉपर्टी तो इमोबल होनी ही चाहिए, आपको मैंने पहले ही बताया था सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की कंडीशन है प्रॉपर्टी इमोबल होनी चाहिए। उसके बाद जो बेकब्जा किया है उस टाइम पर वो जो शूट डालने जा रहा है उस टाइम उसके कब्जे में थी, उसको धक्के मार के निकाल कर बाहर कर दिया, मतलब ये है। उसके बाद ये है कि कब्जा जो है कब्जा जो शूट फाइल कर रहा है उसका कब्जा लीगल होना चाहिए, दूसरे का इलीगल होना चाहिए, तभी वो कोर्ट में जाएगा ना। उसके बाद है जो शू कर रहा है उसको उसकी बिना कंसेंट के उसको, एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है इसी सेक्शन के सब सेक्शन में दी हुई है कि उसको 6 मंथ की एक्सपायरी होने से पहले पहले उसे डिस्पोजिशन के बारे में शू करना पड़ेगा। जो डिस्पोजिशन उसको किया गया है उसके 6 मंथ के विद इन केस डालना पड़ेगा, केस इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी पर्सन जो कब्जा लेना चाहता है उस वो सरकार के अगेंस्ट में केस नहीं ला सकता है। जो ये एक्ट है इसके सेक्शन 6 का क्लोज भी आप जब ओपन करके देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नो शूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रोट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट इमोबल प्रॉपर्टी के किसी भी लैंड के टुकड़े के लिए, किसी भी भूमि के टुकड़े के लिए कोई भी जो है शूट नहीं लाया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि एक्ट की धारा 6 जो है सेक्शन 6 है उसके अंडर जो डिक्री या ऑर्डर मिलेगा उसकी ना तो कोई अपील होगी और ना ही कोई रिव्यू होगा, ठीक है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी शूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर कोई भी केस अगर डाला, कोई भी केस इंस्टीट्यूट किया वादी ने तो उसकी कोई भी अपील नहीं होगी, नोर सेल एनी रिव्यू, ना ही कोई रिव्यू होगा ना ही अपील होगी, ठीक है। कोई भी अपील और कोई भी रिव्यू अलाउड नहीं है, लेकिन रिविजन हो सकता है।